So welcome friends, please go through the disclaimer. So काफ़ी टाइम हो गया वीडियो अपलोड किया, अब से थोड़ा कम ही मैं वीडियोज अपलोड करूँगा, बिकॉज जो भी नई नई बातें थी, जो भी नई नई चीज़ें थी स्ट्रेटजीज में, किस तरह से कोई भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं हम लोग ट्रेडट्रॉन में, सो वो सब हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. अगर कुछ नया आता है सिखाने को तो फिर मैं ट्राई करूँगा वीडियो अपलोड करने की, वरना आप ऑलरेडी जो भी पुराने वीडियोज़ है वो देख सकते हो एंड आप उनसे सीख सकते हो अगर आपको सीखना है तो. मेरा वॉइस थोड़ा भारी रहेगा बिकॉज ऑफ कोल्ड, सो प्लीज़ बेयर विथ दैट. सो आज हम लोग बात करेंगे डाइविस जो स्ट्रेटजी है उसकी, उसका ओनली कोड वीडियो मैंने कल येस्टरडे अपलोड किया था, आज उसका एक्सप्लेनेशन एंड कोड का एक्सप्लेनेशन एंड स्ट्रेटजी का एक्सप्लेनेशन दोनों में अपलोड करने की ट्राई करूँगा, राइट. एंड हो सके उतना अच्छे से मैं आपको समझाने की ट्राई करूँगा बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है स्ट्रेटजी. अगेन मिस्टर क्रिश जो कि हमारे काफ़ी पुराने मेम्बर है ग्रुप के, उन्होंने ये स्ट्रेटजी हमें रिक्वेस्ट की थी आप इसको बनाइए. ये जो आप सारे के सारे स्टेटिस्टिक्स देख रहे हो वो डिफरेंट पैरामीटर्स का है, जैसे कि आप अगर स्टेट कोड देखते हो आपको पता होगा कि पुराने जो भी स्टेट कोड थे वहाँ पर हमारी एंट्री होती थी 9:16 को, राइट. लेकिन आज अगर आपने देखा होगा सो हमारी एंट्री हुई है 10 o'clock, बिकॉज ओरिजिनल स्ट्रेटजी जो थी वो 10 o'clock को एंट्री लेती थी इनिशियल एंट्री, लेकिन बिकॉज हमें स्ट्रेटजी को पहले टेस्ट करना था उसके लिए हमने 9:16 को एंट्री रखा था. सो ये सारे के सारे जो भी रिजल्ट्स है आपके सामने, इसके पहले भी हमने शेयर कोड डाला था, ड्यू टू सम रीज़न वो रिमूव हो गया, तो उसमें भी अच्छा रिजल्ट था, वो सारे के सारा रिजल्ट था 9:16 की एंट्री के बेस पे. दूसरी चीज़ जैसे कि आपने कल देखा होगा ओनली कोड वीडियो में भी कि कुछ पैरामीटर्स है, जैसे कि अगर सपोज एक पुट है और 3 कॉल्स है या फिर 2 कॉल्स है, सो हम पुट को मल्टीप्लाई करते हैं 1.25 से. सो वो जो पॉइंट था वो भी काफ़ी बार चेंजेस किए हुए हैं एंड उसके बाद ये 1.25 जो कि लास्ट वाला था वो मैंने एज इट इज़ रखा है. ओरिजिनल स्ट्रेटजी में क्या था वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए. सो ऐसे बात करने से अच्छा है कि मैं आपको डायरेक्टली स्ट्रेटजी समझाने की ट्राई करता हूँ. आई डोंट नो यहाँ पर ऐसा कुछ क्यों आता है, बिकॉज ये नेम जो है वो इस तरह से है नेम, लेकिन ट्रेडट्रॉन में आई गेस कुछ दिक्कत है. हाँ अभी आ गया, ओके. सो पहले हम लोग कोड देखते जाते हैं, बाद में साथ में उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको करूँगा. सो यहाँ पर आप लोग ने अगर ओनली कोड वीडियो देखा है कल, तो सेट 1 से लेके हम लोगों ने कोड किया है सेट 7, राइट. लेकिन बिकॉज ये जो हेजेस है वो मैंने बाद में ऐड किए हैं, सो ये एक्चुअली हमारा फर्स्ट एंट्री रहेगा हेजेस वाला, बिकॉज हम लोग पहले हेज बाय करेंगे बाद में ऑप्शन सेल करेंगे, राइट. सो सेट नंबर 7 अगर आप नए से कोड कर रहे हो तो आप इसको सेट नंबर 1 भी बना सकते हो, और बाकी जो सेट नंबर 1 से सेट नंबर 6 है उसको आप 2 से लेकर 7 तक ले सकते हो. तो सेट नंबर 7 का जो फर्स्ट है कि हमारा अभी कोई भी एंट्री नहीं हुआ, ऑल काउंट ऑफ निफ्टी बैंक इक्वल टू 0 एंड 10 मुद्दे के बाद एंड हम लोग लास्ट एंट्री. वैसे तो ये यूज़ में नहीं आएगा, लेकिन क्या है कि काफ़ी बार लोग मैन्युअली एग्जिट कर देते हैं स्ट्रेटजी को एंड वापस रीएक्टिवेट करते हैं, सो वो फर्स्ट एंट्री 3:09 के बाद ना हो इसके लिए ये हमने डाला हुआ है, राइट. बिकॉज अगर फर्स्ट एंट्री 10 o'clock को हो गई और आप इसको कुछ लोगों को मैन्युअली इंटरवेंट नहीं कर रहे हो तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये रखना काफ़ी अच्छा होगा अगर किसी दिन कोई मिसबिहेव होता है ट्रेडट्रॉन में या फिर आप मैन्युअली भूल जाते हो और आप एक्टिवेट कर देते हो, राइट. सो वो 3 बजे के बाद या 3:09 के बाद वो ट्रेड ना ले इसके लिए ये हमने डाला हुआ है, राइट. सो जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल होता है आप लोग 0.05 डेल्टा वाले कॉल इनपुट हेज के तौर पर बाय कर सकते हो. सो ये भी एग्जाम्पल है, आप अपने हिसाब से कोई भी डेल्टा का कॉल इनपुट आप बाय कर सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से प्रीमियम के बेस पे भी कोई हेज बाय कर सकते हो. एंड जैसे ही आपका हेज बाय हो जाता है आप एक रन टाइम जनरेट करते हो एच करके, अगेन ये भी आप नाम जो भी चाहो रख सकते हो, राइट. उसको मैंने नंबर 1 दे दिया. सो अभी एच का वैल्यू हो गया नंबर 1, अगर मैं गेट रन टाइम में एच डालूंगा तो उसका वैल्यू हो गया नंबर 1, वो हम लोग बाद में यूज़ करने वाले. सो ये आपका फर्स्ट हेज बाय हो गया. ये जो सारे के सारे है वो फिर एडजस्टमेंट के जो भी हेजिस है उसके लिए है, लाइक आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट होने वाला है तो तब कौन सा हेज बाय करना है, सेकंड, थर्ड, इस तरह से एडजस्टमेंट के लिए सारे के सारे है हेजिस. सो हम लोग 1 by 1 ये देखते जाएंगे. सो हमारा सेट नंबर 7 की एंट्री में से हेज बाय हो गया. अभी डायरेक्टली आपको सेट नंबर 1 and 2 में जाना है. सेट नंबर 1 है हमारा फर्स्ट कॉल एंट्री के लिए, राइट. सो टाइम 10 बजे से ज़्यादा होना चाहिए. अभी ये जो सेट 1 का S1 है गेट रन टाइम, उसका वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, राइट. टाइम शुड बी लेस देन 3:09 एंड आपका जो गेट रन टाइम H है उसका वैल्यू 1 हो गया, यानी कि आपने H बाई कर लिया है एंड टाइम शुड नॉट बी इक्वल टू T1 जो कि हम लोग एग्जिट में देने वाले हैं. सो ये सारी की सारी अगर कंडीशंस फुलफिल हो रही है सो आपको एक कॉल सेल करना है, ATM कॉल जो कि स्पॉट के बेस पे रहेगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है एंड बाद में आपको रन टाइम जनरेट कर देने हैं
जो आपने जो भी कॉल सेल किया है उसकी स्ट्राइक, जो भी कॉल आपने सेल किया है वो उसकी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि अगर आप एलटीपी में यूज करना चाहते हो तो आपको ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम चाहिए। सो वो अगर एलटीपी में हमें वही जो भी स्ट्राइक थी वही कॉल हमें चाहिए, सो उसके लिए आपको यहाँ पर ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो उसको मैंने नाम दिया है C1, अगेन आप कोई भी नाम दे सकते हो। सो C1 को मैंने दे दिया है ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम, जो कि ऑलरेडी सेट नंबर वन एंट्री में से हमने जो भी ट्रेड किया उसका नाम वो हमने स्टोर कर लिया, ताकि हम लोग एलटीपी वगैरह में वो यूज़ कर सकें। और ये जो स्ट्राइक है यहाँ पर आपको यूज़ करना है ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम यूज़ नहीं करना स्ट्राइक सिलेक्ट करने के लिए। सो सी वन एज एक्सपेक्टेड, बिकॉज ये फर्स्ट कॉल एंट्री है हमारी, एंड S1 यानी कि सेट नंबर वन का एंट्री को मैंने नंबर वन दे दिया। सेम वे में सेट नंबर टू में भी सेम रहेगा, आप पुट को भी सेल कर रहे हो। सो सेट नंबर टू का S2 का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, 10 से 3:09 के बीच का टाइम रहना चाहिए। जो भी H यानी कि आपका हेज है उसका वैल्यू 1 होना चाहिए, एंड टाइम शुड नॉट बी इक्वल टू T2 जो कि एग्जिट में आएगा। तो आप जो भी ATM स्पॉट के बेस पे जो भी पुट होगा स्ट्राइक वो आपको सेल करना है। अगेन आपको रन टाइम्स जनरेट कर लेना है। PS1 यानी कि ये जो भी सेकंड सेट से आपने जो भी स्ट्राइक सेल किया है वो, अगेन LTP में आपको यूज़ करना है तो ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम चाहिए। सो उसके लिए P1 एंड एंट्री इंस्ट्रूमेंट 211 अगेन, एंड S2 का वैल्यू आपने नंबर 1 दे दिया, राइट। सो ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें हैं, मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ में इसके बारे में बात किया हुआ है, सो इसमें मैं काफ़ी डीप में नहीं जाता। सो आपने सेल कर दिया, साथ में हम लोग एग्जाम्पल भी लेते जाते हैं। सो आज ही के ट्रेड हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। सो आपने 10 बजे एक ₹6 वाला, यानी कि जो भी उस टाइम पे 5 डेल्टा 0.05 डेल्टा वाला जो भी कॉल था उसको आपने बाई कर लिया था सेम वे में। और अगेन जैसे कि आप लोग जानते हो मार्केट आवर्स है, सो ये काफ़ी स्लो चलेगा ट्रेक्टर, जैसे कि आप लोग जानते हो। वो लोग नया प्राइसिंग प्लान तो ले आए हैं लेकिन इंजिन वही पुराना है, सो काफ़ी स्लो रहेगा, सो प्लीज़ बेयर विद दैट। अगेन पुट भी आपने बाई कर लिया, एंड उसके बाद 42,700 की स्ट्राइक आपने सेल कर दी कॉल पुट की, राइट 10 बजे। इसको मैं एडिट कर दूंगा ताकि आप लोगों को स्लोनेस का सामना ना करना पड़े, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि ट्रेडट्रॉन काफ़ी स्लो है। अगर आपको मार्केट आवर्स में ओपन करना है कोई भी तो वो काफ़ी दिक्कत देता है। 10 बजे आपको एंट्री मिल गई ₹68 पे। सो इसको मैं एक्सेल में डालता रहता हूँ। सो यहाँ पर मैंने कॉल एंड पुट के लिए दो बॉक्सेस बना दिए है। सो हमारा फर्स्ट कॉल का एंट्री, इसमें मैं हेजिस काउंट नहीं करने वाला, आप अपने हिसाब से देख लेना। अभी तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए सिर्फ जो हमने सेल लेग है उसका ही कैलकुलेशन ले रहा हूँ। सो फर्स्ट आपका कॉल का क्या है, 68.95, राइट। एंड आपका पुट का क्या था, स्ट्राइक्स कोई भी हो हमें सिर्फ प्रीमियम्स देखना है, बिकॉज यहाँ पर प्रीमियम बेस्ड जो भी होगा एडजस्टमेंट वो होगा। सो पुट का हमारा था 133.25। सो हमारा टोटल टोटल कॉल का प्रीमियम अभी क्या है, सो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का मिला के 68.95 अभी कॉल का प्रीमियम टोटल है। पुट का प्रीमियम टोटल है 133.25, बिकॉज अभी कोई भी दूसरा कॉल या पुट का लेग अभी आया नहीं है एडजस्टमेंट में। एंड दोनों को मिला के टोटल प्रीमियम कितना होता है, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 1:3 हमें देखना है। सो आगे से हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हमें टोटल प्रीमियम देखना है कॉल का एंड पुट का। दूसरी चीज, हम मैक्सिमम अगर 3 कॉल सेल कर रहे हैं तो पुट एक ही सेल रहेगा, सो मैक्सिमम हमारे सेल लेग्स हो गए वो 4 ही रहेंगे कोई भी सिनारियो हो, या तो 1 पुट एंड 3 कॉल्स मैक्सिमम, या फिर 1 कॉल एंड 3 पुट्स मैक्सिमम, राइट। सो कोई भी सिनारियो हो मैक्सिमम हमारा जो सेलिंग वाले जो लेग्स रहेंगे वो 4 ही रहेंगे। सो जैसे ही आपका सेलिंग हो जाएगा, अभी हम लोग टोटल प्रीमियम पे फोकस करेंगे। सो 1:2 रेशियो आपको याद रखना है, कोई भी एक प्रीमियम दूसरे प्रीमियम से डबल हो जाएगा तब आपको एडजस्टमेंट करना है, टोटल प्रीमियम आपको देखना है। अभी सेकंड एंड थर्ड एडजस्टमेंट नहीं हुआ, सो अभी आपको जो भी कॉल इनपुट अभी प्रेजेंट है उन्हीं का प्रीमियम देखना है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो 68.95 है, यहाँ पर 133.25 है। सो आप एडजस्टमेंट कब करोगे, इसका डबल के ऊपर अगर पुट का प्रीमियम चला जाएगा तो। सो अभी पुट का प्रीमियम 133 है, अगर वो 137 के ऊपर चला जाता है, यानी कि दोनों के बीच का प्रीमियम हाफ से भी ज़्यादा हो जाता है डिफरेंस जो है, तो आपको एडजस्टमेंट करना है। वो कौन सा होगा आपको दिखाऊंगा मैं। सो अभी हमने एंट्री की बात कर ली, राइट। अभी जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है उसकी बात करेंगे, सेट नंबर 7 का रिपेयरमेंट फर्स्ट ले लेते हैं। अगर आपको कॉल एक ऐड करना है तो आपको क्या करना है, सो ये आपका CE का हेज नंबर 2 रहेगा, राइट, बिकॉज फर्स्ट हेज आपने ऑलरेडी बाई किया हुआ है। सो CEH2 का वैल्यू अभी 1 नहीं है, यानी कि उसने अभी ट्रेड नहीं लिया हेज ने। फिर आपको ग्रुप बनाने हैं, सिंपल है ये, एक कंडीशन आप ऐड करो, यहाँ से ग्रुप ऐड कीजिए और उसी ग्रुप के अंदर आप डिफरेंट ग्रुप ऐड कर दीजिए, एंड वहाँ पर आपको कंडीशंस ऐड करना है। इस तरह से आपको बनाना है ये कंडीशंस, ईजी है काफ़ी, प्रीवियस वीडियोज आप देख लो तो आपको पता चल जाएगा।
सो देर कैन बी टू सीनारियोज राइट, या तो आपका दो कॉल्स प्रेजेंट है, यानी कि एक एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है सी वन एंड सी थ्री, एंड फिर उन दोनों का जो प्रीमियम आप मिलाओगे वो जो भी आपका पुट का प्रीमियम है उससे हाफ हो जाएगा, एंड आपका एस फाइव का वैल्यू वन हो गया है राइट, तो आप ये रिपेयर वन सेवन वन में से एक हैज ऐड करोगे सेम 0.05 डेल्टा वाला, या फिर सिर्फ वन कॉल एंड वन पुट प्रेजेंट है एंड आपका अभी फर्स्ट एडजस्टमेंट है कॉल का एंड एस फाइव का वैल्यू अभी वन नहीं है। ये सब आगे आएगा जैसे जैसे हम लोग स्ट्रेटेजी देखते जाएंगे, अभी के लिए आप इतना जान लो कि एस फाइव का वैल्यू वन नहीं है, यानी कि सिर्फ एक कॉल एंड एक पुट प्रेजेंट है, अभी फर्स्ट एडजस्टमेंट है आपका, तो भी आपको रिपेयर वंस में से रिपेयर वंस फर्स्ट जो भी रिपेयर वंस है उसमें से आपको सेम है, सिर्फ अभी कॉल बाय करना है बिकॉज अभी इंडिविजुअल एडजस्टमेंट्स होंगे, अभी कॉल एंड पुट दोनों का साथ में कुछ नहीं होने वाला राइट। एंड जैसे ही वो होता है आपको सी ई एच टू का वैल्यू आपको वन दे देना है। सेम वे में अगर पुट का प्राइस है वो कम हो जाता है कॉल से, हाफ से भी ज़्यादा कम हो जाता है एंड सिर्फ एक कॉल एंड पुट ही प्रेजेंट है, एस सिक्स का वैल्यू अभी वन नहीं है तो भी आपको पुट बाय करना है, या फिर पी थ्री यानी कि जो एक एडजस्टमेंट हो चुका है पुट का, अभी दो पुट्स प्रेजेंट थे एंड एक कॉल प्रेजेंट है एंड दो पुट्स का प्रीमियम मिला के एक कॉल के प्रीमियम से हाफ है अभी, तो भी आपको इस रिपेयर वंस में से एक पुट बाय करना है 0.05 डेल्टा वाला, बिकॉज ये पुट है आपको -0.05 लिखना पड़ेगा फाइनल स्ट्राइक में। सेम वे में रिपेयर वंस थ्री अगेन कॉल के लिए एस टू का वैल्यू वन होना चाहिए, आपका जो सी ई एच थ्री यानी कि ये वाला इसका वैल्यू वन नहीं होना चाहिए, एंड अगेन आपको देखना है क्या सी वन एंड सी टू दोनों प्रेजेंट है, दोनों का प्रीमियम मिला के पुट का जो भी प्रीमियम था वो उसके हाफ से भी कम हो गया है, या फिर सिर्फ सी वन एंड पी वन प्रेजेंट है एंड एस थ्री का वैल्यू वन नहीं है तो भी आप ये एडजस्टमेंट कर सकते हो राइट। सेम वे में ये पुट के लिए है। सो ये सारा का सारा सेट का ही खेल है, आप कौन से सेट में से एंट्री कर रहे हो। सो या तो दोनों सिर्फ कॉल एंड पुट ही प्रेजेंट है, फर्स्ट एंट्री हमारी एस फोर का वैल्यू वन नहीं है तो भी, सो इन शॉर्ट आप या तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में इसको यूज कर सकते हो या फिर ऑलरेडी एक एडजस्टमेंट हो चुका है सो सेकंड एडजस्टमेंट में भी आप इसको यूज कर सकते हो। सो इस तरह से हमने इसको कोड किया हुआ है राइट। पी वन एंड पी टू दोनों प्रेजेंट है लेकिन दोनों का प्रीमियम मिला के जो भी कॉल का प्रीमियम है उससे हाफ से भी कम हो गया है राइट। सपोज इन दोनों का प्रीमियम 50-50-100 है एंड कॉल का प्रीमियम चल रहा है 200 राइट। सो 201 है, सो 201 इंटू 0.5 यानी कि उसका हाफ 100.5 हो गया। सो इन दोनों का प्रीमियम मिला के भी 100 ही होता है, कॉल का प्रीमियम का हाफ करोगे तो भी वो 100.5 होता है। सो तब आपको एक हेज बाय करना है बिकॉज ये रिपेयर वंस है, आपका एक हेज ओनली वन ही टाइम बाय होगा राइट। सो इस तरह से आप मैक्सिमम थ्री कॉल एंड थ्री पुट का हेजिस बाय कर सकते हो। अगेन एडजस्टमेंट अगर होते रहेंगे सेलिंग लेग के बेसिस पे, लेकिन आपका हेज का एग्जिट सिर्फ यूनिवर्सल एग्जिट के टाइम पे होगा। सो एक बार आपने हेज बाय कर लिया फिर वो एग्जिट नहीं होने वाला। सो ये भी एक बात आप ध्यान में रखना बिकॉज वरना फिर क्या होगा कि नंबर ऑफ ट्रेड्स काफी बढ़ जाएंगे। इसका जो मेन प्रॉफिट है वो सेलिंग के एडजस्टमेंट से आता है। सो हेजिस का होना ना होना सिर्फ मार्जिन बेनिफिट के लिए अच्छा है, बाकी कुछ इसमें उसका कोई रोल है नहीं। सो ये सेट नंबर सेवन की हमने बात कर ली। सो अभी आगे से हम लोग इसकी कोई बात नहीं करेंगे राइट, बिकॉज ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। सो सेट नंबर सेवन सिर्फ मार्जिन बेनिफिट के लिए है, दूसरा उसका कोई भी रोल नहीं है। अभी आ जाते हैं हम लोग सेट नंबर वन एंड टू में से आपने कॉल में एंड पुट में एंट्री कर ली, अभी चलते हैं सेट नंबर थ्री। सो सपोज एच थ्री का यानी कि इसका वैल्यू अभी वन नहीं है, सी एच टू यानी कि दूसरा हेज ऑलरेडी बाय हो चुका है एंड आपका जो टाइम है वो इज नॉट इक्वल टू टी थ्री। ये मैं हर जगह इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि काफी बार क्या होता है कि एग्जिट होते ही इमीडिएटली उसमें एंट्री हो जाती है, सो वो ना हो इसलिए हम लोग वो उस मिनट को जिस मिनट पर एग्जिट हुई है उस मिनट को हम लोग खत्म होने देंगे, सेम सेट में से री एंट्री इमीडिएटली ना हो उसके लिए। ये क्या है कि मल्टीपल ट्रेड्स अवॉइड करने के लिए मैंने डाला हुआ है एंड एग्जिट में हम लोग उसको टी थ्री टाइम का वैल्यू दे देंगे हर एक सेट में। सो ये तीन चीज होनी ही चाहिए, फिर ग्रुप्स आते हैं राइट कि अभी सी वन एंड सी थ्री, एक बार मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। सेट नंबर थ्री जो है वो हमारा दूसरा कॉल का एडजस्टमेंट है, सेम वे में सेट नंबर फोर दूसरा पुट का एडजस्टमेंट है, सेट नंबर फाइव तीसरा कॉल का एडजस्टमेंट है एंड सेट नंबर सिक्स तीसरा पुट का एडजस्टमेंट है। सो अगर मैं बोलता हूँ कि एस फाइव का वैल्यू वन हो गया यानी कि तीसरा कॉल का एडजस्टमेंट हो गया है, अगर एस थ्री का वैल्यू वन है यानी कि दूसरा जो कॉल का एडजस्टमेंट है वो ऑलरेडी हो चुका है। सो यहाँ पर मैं वही चेक कर रहा हूँ, एस फाइव का वैल्यू वन है यानी कि जो सेट नंबर फाइव में से जो हम लोग तीसरा वाला जो कॉल था सेल लेग वो एडजस्टमेंट करने वाले थे वो हो चुका है
इसका क्या मतलब है कि C1 यानी कि जो फर्स्ट सेट में से आपने जो फर्स्ट टाइम कॉल सेल किया था वो भी प्रेजेंट है अभी, C3 यानी कि सेट नंबर 5 में से आपने जो कॉल सेल किया वो भी प्रेजेंट है, उन दोनों का प्रीमियम मिला के अगर P1 यानी कि पुट का जो भी फर्स्ट आपने जो सेल किया था ये वाला, सो यहाँ पर सपोज इसका भी एडजस्टमेंट हो गया, थर्ड एडजस्टमेंट ये भी हो गया, इन दोनों का प्रीमियम मिला के भी इससे हाफ है, कम है, तो आपको यहाँ पे एक कॉल सेल करना है सेकंड जगह, राइट, बिकॉज ये हम लोग बात कर रहे हैं अभी सेकंड कॉल एडजस्टमेंट की, विच इज सेट नंबर 3। दूसरा क्या सिनेरियो हो सकता है, या तो एक कॉल एंड एक पुट प्रेजेंट है C1 एंड P1, एंड अगर C1 का वैल्यू P1 से हाफ से भी कम हो जाता है, राइट, यहाँ पर अगर सपोज जैसे कि मैंने आपको बोला इसका वैल्यू अगर 137 के ऊपर चला जाएगा तो इसका हाफ से भी कम हो जाएगा, तो आपको एक और कॉल सेल करना है, कौन सा वाला वो हम लोग देखेंगे अभी। सो आई होप ये आपको पता चल गया। सो अभी हम लोग जो भी पुट का वैल्यू रहेगा, अभी LTP जो भी वैल्यू रहेगा उसका 0.25 आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि उसका 25% का वैल्यू वाला जो भी कॉल होगा वो आपको सेल करना है। सो आपको फाइन स्ट्राइक में निफ्टी बैंक यहाँ पर एक्सपायरी आपका जो भी हो, LTP मैथ ऑपरेशन कॉल, आपको कॉल सेल करना है इसलिए आपको यहाँ पर कॉल यूज करना होगा, राइट। सो मैथ ऑपरेशन में आपको क्या आएगा, अभी जो पुट का प्राइस चल रहा है, राइट, LTP उसका 0.25 यानी कि उसका 25% का वैल्यू वाला कॉल आपको सेल करना है। सो चलो देखते हैं, यहाँ पर ये 1-2 हेज है हमारे आज का, अगर हम लोग ट्रेड्स देखें तो 3 एंड 4, राइट। सो आपने ये आपका फर्स्ट एंट्री था 10 o'clock वाला, ये आपका फर्स्ट पुट का एंट्री था, उसके बाद जो नंबर 5 है आपने यहाँ पर 10:01:59 पर यानी कि 1 मिनट के बाद आपने एडजस्टमेंट कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि पुट का वैल्यू ज़्यादा हो गया होगा, जो हमने सोचा था 137 से ज़्यादा हो गया होगा, सो आपने एक 38 रुपीज़ वाला कॉल सेल कर दिया। सो 38 कहाँ से आया, सो जैसे कि हमने देखा था 138 के ऊपर अगर पुट का वैल्यू चला जाता है, राइट, सो उसका हमें 0.25 यानी कि उसका 25% वैल्यू वाला कॉल हमें नियरेस्ट सेल करना है, सो वो हमें प्राइस मिला 38.30, राइट। सो आप यहाँ पर डालो 38.30 वाला आपने एक कॉल अगेन सेल कर दिया, राइट, एंड उस टाइम पे इसका वैल्यू भी कम हो गया होगा, सो वो अगर आपको देखना है तो आप नोटिफिकेशन लॉग में जाके देख सकते हो 10:01 पे क्या एडजस्टमेंट हुए थे। सो आप यहां पर देख सकते हो 10:01 पे S5, बिकॉज हमने सेट नंबर 5 में से कोई भी एंट्री नहीं ली थी कॉल में से, सो उसका वैल्यू नन है, जीरो है, राइट। S2 का वैल्यू अभी 1 नहीं है, CH3 का वैल्यू 1 है, सॉरी S2 का वैल्यू 1 है बिकॉज वो सेट नंबर 2 यानी कि फर्स्ट पुट का एंट्री था। नोटिफिकेशन लॉग में आपको सारी की सारी जानकारी मिलेगी। मेन जो चीज है, C1 का वैल्यू अभी क्या था, 63.65, राइट, एंड आपका जो B1 का वैल्यू था 138.45 10:01 पे, सो हाफ से कम हो गया। अगर आप 138.45 को मल्टीप्लाई करोगे, उसका हाफ करोगे, सो क्या आएगा, 69.225, लेकिन कॉल उसका उससे भी कम हो गया है 63, सो हाफ से भी कम हो गया है कॉल, सो आपको 138.45 का 25% चाहिए, 138.45 का 25%, वो क्या आया 34, सो आपने 38 रुपीज़ वाला एक आपने सेल कर दिया। अभी इस टाइम पे टोटल प्रीमियम क्या रहेगा 10:01 ये एडजस्टमेंट होने के बाद, सो अभी पुट का प्रीमियम क्या है 138.45, सो ये मैं आप यहाँ पर एडजस्टमेंट कर देता हूँ 138.45। अभी कॉल का प्रीमियम क्या रहेगा 63.65, जब ये हमने एंट्री की तब इसका प्राइस था 63.65, राइट। सो अभी अगर आप देखोगे सो आपका जो टोटल कॉल का प्रीमियम है वो थोड़ा सा ही कम है टोटल पुट के प्रीमियम से, बिकॉज आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट हो चुका है। अभी नया एडजस्टमेंट का होगा, अगर ये दोनों कम होते जाएंगे इसका प्राइस एंड इसका प्राइस बढ़ता जाएगा, सो अगेन यहाँ पर 1:2 वाला रेशियो हो जाएगा, तब आपको वापस एक कॉल ऐड करना पड़ेगा, वो आज हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं, देखते हैं एक बार, लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 10:01 को आपने एक और कॉल बाय कर लिया था हेज बाय, एंड आपने ये जो 5 नंबर तक का एडजस्टमेंट आपने देखा, राइट, 38.30 का। अभी यहाँ से दो सिनारियो पॉसिबल है, हो सकता है मार्केट रिवर्स हो जाए और ये जो 138 वाला जो प्रीमियम है पुट का प्रीमियम है वो कम होने लगे, राइट, इन दोनों के प्रीमियम बढ़ जाए, सो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से जो भी कम प्रीमियम वाला लेग होगा वो आप एग्जिट कर दोगे, राइट। सो एट एवरी जंक्शन काफ़ी सारे सिनारियोज पॉसिबल रहेंगे, सो वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। सो आपने यहाँ पर एक कॉल सेल कर दिया, राइट, एंड अभी उसका एग्जिट सिनारियो देख लेते हैं। ये जो एग्जिट सिनारियो है वो हर जगह अप्लाई होगा, कॉल या पुट दोनों के लिए,
सो मैं एक आपको अच्छे से समझा देता हूँ एक एग्जिट सिनेरियो, एंड फिर सेट नंबर वन एंड टू का एक थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग देख लेंगे, राइट। सो एस थ्री का वैल्यू अभी वन है, अभी ये कॉल हमें कब सेल करना है, इसको हमें कब एग्जिट करना है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। एस थ्री का वैल्यू वन है बिकॉज सेट नंबर थ्री में से हमने एंट्री कर ली, राइट। सो ये तो ऑलवेज ट्रू होना चाहिए ये कंडीशन। फिर आता है अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सीनारियोज, ये फर्स्ट सीनारियो है, ये सेकंड है, राइट। सेकंड सीनारियो के अंदर भी दो अलग अलग सीनारियोज मौजूद है सब ग्रुप के अंदर, तो देख लेते हैं एक बार। सो हो सकता है कि हमें जब ये कॉल सेल करना है, एग्जिट करना है वापस, तब या तो थर्ड लेग भी प्रेजेंट हो सकता है, पॉसिबल है, राइट। सो अगर वो प्रेजेंट नहीं है, यानी कि एस फाइव का वैल्यू वन नहीं है, तो हमें क्या करना है, तो आपको क्या देखना है, सी वन एंड सी टू, यानी कि ये सी वन है, ये आपका सी टू है, ये सी थ्री रहेगा। तो सी वन एंड सी टू में से जिसका भी एल टी पी, यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस जिसका भी कम रहेगा, वो आपको एग्जिट करना है। तो सपोज सी टू का लास्ट ट्रेडेड प्राइस कम है, यहाँ पर मैंने मिनिमम कीवर्ड यूज़ किया है। सो ये क्या करता है, आपको सपोज इसका वैल्यू 100 है सी वन का, सी टू का वैल्यू 50 है, सो ये मिनिमम का जो वैल्यू है वो 50 आपको फेच करके देगा। सो अगर आप ये मिनिमम यूज़ कर रहे हो, सो मिनिमम सी वन का एल टी पी एंड सी टू का एल टी पी में से कौन सा मिनिमम रहेगा, सी टू का, राइट। शुड बी इक्वल टू एल टी पी ऑफ सी टू, यानी कि ये दोनों सेम होने चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जो सेकंड कॉल है आपने सेल किया है उसका वैल्यू सबसे कम है अभी, सो आपको वो एग्जिट करना है। अगर मार्केट रिवर्स होता है तो ये रिवर्सिंग का सारा का सारा है, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सपोज पुट रिवर्स हो गया, उसका प्राइसिस कम होने लगा, इतना कम हो गया कि उसको आप उसके अंदर 25% ऐड कर दो तो भी वो सी वन एंड सी टू से कम है, यानी कि सी वन एंड सी टू का जो अभी एल टी पी है कंबाइंड प्रीमियम है, वो पुट के अंदर आप उसका 25% भी ऐड कर दो उससे भी ज्यादा है सी वन एंड सी टू। सो एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ आपको, सपोज ये जो आपका पुट का प्रीमियम था वो कम होकर हो गया 100, राइट। सो 100 के अंदर आपको ऐड करना है 25% ऑफ 100, क्या आएगा वो, ऑब्वियसली 125। सो अभी मार्केट 138 से रिवर्स होकर 100 हो गया पुट का प्राइस, एंड इसका जो वैल्यू है वो 125, आपको इसके अंदर भी 25% ऐड करना है उसका, सो वो हो गया 125। एंड उस टाइम पे कॉल एंड जो भी दोनों कॉल्स आपने सेल किए थे, फर्स्ट एडजस्टमेंट वाला एंड इनिशियल जो था, उसका प्रीमियम सपोज 125 से भी ज्यादा है, सपोज उन दोनों का कंबाइंड प्रीमियम हो गया 127 यहाँ प्राइस, सपोज इसका 38 का प्राइस हो गया 50 एंड इसका हो गया सपोज 80 रुपीज़, या फिर 90, आप समझ लो 90 रुपीज़, सो इन दोनों का कंबाइंड प्रीमियम 125 से ज्यादा हो गया। सो उस टाइम पे आपको क्या करना है, उस टाइम पे आपको जो भी कम प्रीमियम रहेगा, अगर इसका 50 है वैल्यू, इसका सपोज 100 वैल्यू है, राइट, सो आपको 50 वाला एग्जिट कर देना है, राइट। आई होप आपको पता चल गया। ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड एडजस्टमेंट हो गया, फिर ये भी एग्जिट हो गया, कोई ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि जहां पर ये सेकंड एंड फर्स्ट दोनों में से ये वाला मिनिमम होगा वैल्यू, सपोज इसका वैल्यू 50 रहेगा, सेकंड एडजस्टमेंट वाले का वैल्यू 100 रहेगा, वो भी सिनेरियो पॉसिबल है, वो हम लोग देखेंगे। सो आपको ये 50 वाला एग्जिट करना पड़ेगा। इन एनी केस ये आपका पुट एज इट इज रहेगा, ये आपका कॉल अगर आप एग्जिट कर रहे हो तो इमीजिएटली आपको एटीएम उस टाइम पर वापस एंटर भी करना पड़ेगा। सो इस तरह से ये पूरा का पूरा वर्क है। सो ये फर्स्ट सीनारियो मैंने आपको समझाया, ये वाला, राइट, कि अगर पुट के अंदर आप उसका 25% ऐड करोगे, उसका जो ओरिजिनल प्रीमियम है पुट का, उसके अंदर आप उसका 25% ऐड कर रहे हो, फिर भी वो दोनों भी कॉल आपको मिला के उनसे प्रीमियम से कम है, राइट, तो आपको एक कॉल एग्जिट कर देना है, ओरिजिनल पुट को एज इट इज रहने देना है। दूसरा सिनेरियो क्या है कि सपोज आपका ये थर्ड एडजस्टमेंट भी हो चुका है, राइट, सो आप एस फाइव का वैल्यू वन होगा, तो आपको क्या लेना है, मिनिमम कौन सा लेना है, तीनों कॉल में से अगर हम लोग ये सेकंड कॉल के एग्जिट की बात कर रहे हैं, तो तीनों कॉल में से अगर सेकंड कॉल मिनिमम है एंड सेम सिनेरियो बन रहा है, राइट, यहां पर आप देख सकते हो एल टी पी ऑफ सी वन सी थ्री एंड सी टू, तीनों में से अगर मिनिमम एल टी पी सी टू की आती है, यानी कि इज इक्वल टू एल टी पी ऑफ सी टू, तो या तो तीनों का कंबाइंड प्रीमियम आप मिलाओगे एंड वो आपका जो पुट है उसके अंदर आप 25% ऐड करते हो, फिर भी वो उससे ज्यादा है, तो आपको ये कॉल एग्जिट कर देना है, राइट, पुट को एज इट इज रहने देना है, सी वन एंड सी थ्री भी एज इट इज रहेंगे। सो इन शॉर्ट आपको टोटल कॉल का प्रीमियम देखना है, टोटल पुट का प्रीमियम देखना है, राइट, यहाँ पर टोटल प्रीमियम ही आपको देखना है। सपोज टोटल प्रीमियम में वन साइडेड मूव हो रहा है, पुट ही इंक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो आपको क्या करना है कि जैसे ही टोटल प्रीमियम हाफ होता है, आपको एक नया कॉल या पुट ऐड करना है। सपोज पुट इंक्रीज हो रहा है, वो टोटल कॉल प्रीमियम से डबल हो गया, पुट का प्रीमियम, सिंगल पुट का प्रीमियम,
टोटल तीनों कॉल हो सकते हैं, दो कॉल हो सकते हैं, वन कॉल भी हो सकता है, उनके प्रीमियम से डबल हो गया, उससे ज़्यादा हो गया, तो आपको एक और कॉल ऐड करना है जो भी करंट पुट का प्रीमियम चल रहा है उसका 25%, राइट। या फिर अगर रिवर्स हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर हमने ये सीन देखा, तो आपको क्या करना है, जो भी सबसे सिंगल लेग था, यानी कि या तो पुट सिंगल रहेगा या फिर कॉल एक सिंगल लेग रहेगा। सो पुट सिंगल लेग था, कॉल में सारे के सारे एडजस्टमेंट हो रहे थे, मार्केट रिवर्स हो गया, पुट का प्रीमियम डाउन होने लगा, तो आपको क्या करना है, जो भी करंट प्राइस रहेगा पुट का, उसके अंदर आपको उसी का 25% ऐड करना है। सो आपको इमेजिनरी उसका प्रीमियम ज़्यादा समझ लेना है। सपोज 138 अभी प्रीमियम चल रहा है पुट का, सो आपको उसका करंट प्रीमियम देख समझना है, इसको आप 1.25 से मल्टीप्लाई कर दो, सो इसका 173 आपको प्रीमियम समझना है, एंड ये 173 राइट, इससे ज़्यादा अगर टोटल कॉल का प्रीमियम हो जाता है, अभी जो करंट पुट का प्रीमियम चल रहा है जो भी हो, उससे उसका 25% आप उसमें ऐड करो, उससे भी अगर कॉल का प्रीमियम ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आपको कोई भी एक छोटा कॉल रिमूव कर देना है, एग्जिट कर देना है, राइट, ताकि प्रीमियम वापस बैलेंस हो सके। बेसिकली ये प्रीमियम्स को बैलेंस करने के लिए ही ये सारी की सारी जो एडजस्टमेंट है वो हम लोग कर रहे हैं। सो ये हमने ये वाली सिनारियो की बात की। अभी ये सिनारियो में भी अलग अलग दो सिनारियोज हैं, दो सिनारियो नहीं बोल सकते, लेकिन ये आपको कब एग्जिट करना है। सो ये हम लोग सेट नंबर 3 की एग्जिट की बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर आपने देख सकते हो, यहाँ पर सेट नंबर 3 का एग्जिट है। अभी क्या है कि अगर आप एग्जिट करने के बाद वापस सेट नंबर 3 में से ही एंटर करने वाले हो, तो फिर इसको एग्जिट करने का कोई मतलब है नहीं, राइट। देखो फिर से मैं समझा देता हूँ, या तो पुट रिवर्स हो गया तो आपको ये एग्जिट कर देना है, सेट नंबर 3 वाला जो कॉल था वो, राइट। एंड अगर पुट रिवर्स नहीं हुआ लेकिन पुट ज़्यादा बढ़ता ही गया, इसका प्रीमियम एक्चुअली में 170-200 होता गया, राइट, एंड तीनों लेग्स प्रेजेंट थे, ठीक है, तो फिर अगर आप वापस उसी में रीएंटर करने वाले हो तो फिर इसको एग्जिट मत कीजिए। सो यहाँ पर मैंने वो जो फाइन स्ट्राइक आपका जो पोजीशन बिल्डर में था वही सेम मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, कि अगर अभी मुझे एडजस्टमेंट करना पड़े, सो ये सेम स्ट्राइक आ रही है क्या, जो भी पुट का अभी जो करंट प्राइस चल रहा होगा उसका 25% के हिसाब से जो स्ट्राइक सेट नंबर 3 वाली में एग्जिट करने वाला हूँ, अगर मैं वही स्ट्राइक में तो वापस रीएंटर नहीं करने वाला, अगर करने वाला हूँ तो फिर मुझे उसको एग्जिट ही नहीं करना बेसिकली। सो ये जो फाइन स्ट्राइक वाली जो भी है, अभी अगर मैं एडजस्टमेंट करूँ तो मुझे कौन सी स्ट्राइक में एंट्री करनी है, इट शुड नॉट बी इक्वल टू CS2, यानी कि वो सेट नंबर 3 वाला जो भी स्ट्राइक था हमारा कॉल का वो ही नहीं होना चाहिए। सो एक बार फिर मैं आपको सारे के सारे एडजस्टमेंट समझा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग को ये काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा होगा, है नहीं लेकिन लग रहा होगा। सो या तो मार्केट इधर से ही बढ़ता जाए, राइट, सो आप थर्ड एडजस्टमेंट भी करोगे, राइट, जैसे ही आपका थर्ड एडजस्टमेंट होता है, सो आपको तीनों का चेक करना है एक साथ। अगर नहीं होता तो क्या है, सपोज आपका थर्ड एडजस्टमेंट नहीं हुआ, S5 का वैल्यू अभी 1 नहीं है, अगर हुआ भी है तो वो एग्जिट हो गया है, मान लो S5 का वैल्यू अभी 1 नहीं है, राइट, एंड अभी जो सबसे छोटा प्रीमियम है वो आपका सेकंड कॉल का प्रीमियम है, एंड मार्केट रिवर्स हो गया है, पुट का प्राइस सपोज 138 अभी है, उसको आप 25% ऐड करो, सो 173, सो ये कॉल दोनों कॉल के प्रीमियम कंबाइंड होकर भी 173 से ज़्यादा है, तो आपको ये कॉल एडजस्ट कर देना है, फिर सिर्फ ये दोनों कॉल एंड पुट ही ट्रेड में रहेंगे, ये फर्स्ट। सेकंड थिंग क्या है कि सपोज ये थर्ड एडजस्टमेंट हो चुका है, ये लेग अभी प्रेजेंट है ट्रेड में, राइट, एंड तीनों में से सबसे कम प्रीमियम ये सेकंड का है, बिकॉज हम अभी सेकंड कॉल के एडजस्टमेंट वाला जो लेग है, सेट नंबर 3 वाला, उसकी बात कर रहे हैं। तो अभी क्या एडजस्टमेंट आपको करना है, तो वापस टू थिंग्स कैन बी देयर दैट, या तो अगेन पुट का प्रीमियम मार्केट रिवर्स हो गया, पुट का प्रीमियम सपोज 138 चल रहा है, उसका 25% भी आप उसमें ऐड कर दो, यानी कि उसका प्रीमियम इमेजिनरी आप बढ़ा दो उसको, वो इसलिए कि फेक रिवर्सल तो नहीं है, वो जानने के लिए। काफ़ी बार क्या होता है कि टच होता है रिवर्स होके वापस वो पुट ऊपर चला जाता है, तो हम खामखा इसको री एंटर एग्जिट करते रहेंगे, वो ना हो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका इमेजिनरी में उसका प्रीमियम बढ़ा रहा हूँ। सो सपोज अभी उसका प्रीमियम पुट का 138 है, मार्केट रिवर्स हो गया, एंड उसका इमेजिनरी प्रीमियम आपने बढ़ा के रख दिया उसका 25% उसमें ऐड करके 173, सो तीनों कॉल का प्रीमियम मिला के वो 173 से भी ज़्यादा है, यानी कि आप मान सकते हो कि शायद मार्केट एक्चुअली में रिवर्स हो गया है, तो आपको अभी तीन कॉल में रहने की ज़रूरत नहीं है, एक आध कॉल आप हटा दो, राइट, अगर और मार्केट रिवर्स होता जाएगा तो आप दूसरा कॉल भी हटा दोगे जो भी होगा उस टाइम में मिनिमम। सो अभी वो सेकंड जो आपका एडजस्टमेंट था कॉल का वो है, तो आपने अगर तीनों लोग प्रेजेंट है एंड अगर मार्केट रिवर्स हो गया तो आप उसमें से एग्जिट हो गए, या फिर यहाँ पर आपने और लिखा है,
या फिर क्या हो सकता है कि सपोज आपके तीनों लोग तीनों लेग प्रेजेंट है, लेकिन मार्केट ऊपर बढ़ता ही जा रहा है, इसका 273 प्रीमियम हो गया, सपोज इसका 473 या फिर 573 प्रीमियम हो गया, सो फिर ये तीन आपको इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं देंगे, उसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सपोज फॉर एग्जांपल इसका पुट का प्रीमियम बढ़ता ही गया 138 में से, वो हो गया 573, आपका थर्ड एडजस्टमेंट कॉल का भी था राइट, उसका सपोज आपने एंट्री की तब 45 प्रीमियम था जब भी आपने एंट्री की फॉर एग्जाम्पल, सो ये तीनों आपको इसका मिला के भी 150 के अराउंड होगा अगर, तो भी आपको प्रोटेक्शन नहीं देने वाले पुट का प्रीमियम के सामने। सो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो भी अभी चल रहा है सबसे छोटा प्रीमियम अगर सेट नंबर 3 वाला है, उसको आपको एग्जिट करके वापस कोई एक और बड़ा प्रीमियम यानी कि 573 का 25% वाला प्रीमियम आपको एक ऐड करना पड़ेगा। सो उसके लिए आपको प्रॉफिट बुकिंग भी ज़रूरी है राइट, सो उस टाइम पे आपको 143 वाला एक कोई और एक प्रीमियम यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। सो एक बार प्रॉफिट बुक कर लो, बाद में एक और प्रीमियम आप ऐड कर दो। सो इस तरह से क्या है कि अगर मार्केट वन साइडेड भी होता है तो भी आप थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करते जाओगे, इसमें सबसे छोटा होगा उसमें प्रॉफिट बुक करते जाओगे और एक और ज़्यादा प्रीमियम वाला कॉल सेल करते जाओगे। सो इस तरह से इसको हमने बनाया है, जो कि हमें मिस्टर कृष्ण ने सजेस्ट की है स्ट्रेटजी, बिकॉज इसीलिए इसका नाम है डायनेमिक वाइब्रेंट स्ट्रेडल राइट। एंड अगेन वो ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए है, सो प्रॉफिट बुक कर रहे हो लेकिन अगर आप वापस जो भी कॉल सेल करने वाले हो वो सेम नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर ये ऐड किया है। सो आई होप अभी सारा का सारा जो सिनारियो है वो आपको क्लियर हो गया है। अभी ये जो सारा का सारा है गेम सेम सभी जगह सेम रहेगा, सारे के सारे एग्जिट में राइट। अगर हम लोग पुट की बात करें, सपोज एक सिंगल कॉल आपका प्रेजेंट है एंड मार्केट ऊपर ही चला जा रहा है, सो एक कॉल का प्राइस बढ़ रहा है, वन साइडेड मूव है, सो आप वन बाय वन पुट ऐड करते जाओगे। अगर और मार्केट बढ़ता है, आपने तीन पुट ऐड कर दिए, सपोज यहाँ पर ये पी वन था, पी टू भी ऐड कर दिया, पी थ्री भी ऐड कर दिया, फिर भी सी वन का प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, मार्केट ऊपर ही चला जा रहा है, सो आप क्या करोगे, इसमें से जो भी कम प्रीमियम वाला जो भी होगा उसको आप एग्जिट करते जाओगे और इसका जो 25% है वो आप ऐड करते जाओगे। अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है सो आप इसके अंदर इसका जो भी प्रीमियम चल रहा होगा कॉल का उसका इमेजिनरी उसमें 25% ऐड करके फिर आप चेक करोगे कि अगर मार्केट रिवर्स हुआ है एंड ये तीनों के प्रीमियम मिला के जो इसके अंदर हम 25% ऐड करें उससे भी ज़्यादा है, तो फिर आप वापस अगेन एक कोई भी छोटा वाला पुट एग्जिट कर दोगे। सो इस तरह से कंटिन्यूसली एडजस्टमेंट होते जाएंगे। ये हमने बात की एडजस्टमेंट की, जो हमारा ओरिजिनल लेग नहीं है उनके अलावा जो भी लेग है उनकी राइट। जैसे कि यहाँ पर आप चेक कर रहे हो कि S4 का वैल्यू 1 होना चाहिए बिकॉज ये लेग तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, अगेन साथ में P1 एंड P2 का वैल्यू में से जो भी P2 है उसका वैल्यू मिनिमम होना चाहिए एंड C1 के अंदर आप 25% ऐड करो, फिर भी वो कम हो जाना चाहिए जो भी आपका कंबाइंड पुट का प्रीमियम है। एंड S6 यानी कि जो थर्ड एडजस्टमेंट है वो अभी होना नहीं चाहिए बेसिकली, या फिर थर्ड एडजस्टमेंट हो चुका है, S6 का वैल्यू 1 है, तो या तो एंड अगेन आपका जो सेकंड पुट है वो मिनिमम होना चाहिए वैल्यू में, तो फिर या तो मार्केट रिवर्स हो गया, कॉल का इमेजिनरी प्रीमियम आप बढ़ा के जो दिखा रहे हो कि उसका इमेजिनरी प्रीमियम अभी एल टी चल रहा है उसके अंदर आप 25% ऐड करोगे, फिर भी वो तीनों जो पुट का प्रीमियम है वो उससे भी ज़्यादा है, तो भी आप जो भी मिनिमम वैल्यू होगा वो आप एग्जिट कर दोगे पुट का, या फिर प्रॉफिट बुक करने के लिए कि सपोज आपने तीनों पुट का आपने एडजस्टमेंट कर दिया फिर भी कॉल का प्रीमियम उनसे डबल हो गया है एंड अभी जो मिनिमम वाला ये जो सेट नंबर फोर वाला जो पुट है वही उसमें हम एंट्री नहीं करने वाले, वो सेम स्ट्राइक नहीं है, तो भी आप इसको एग्जिट करके वापस कोई एक नया पुट ऐड करोगे जो भी कॉल का प्रीमियम का 25% होगा राइट। सेम सेट नंबर 5 और 6 में भी सेम रहेगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। इसमें आप लोग क्या चेक करोगे, सेट नंबर जो सेकंड एडजस्टमेंट है कॉल एंड पुट का वो हुआ या नहीं हुआ, सिर्फ वही चेक करने वाले हो, बाकी सारा का सारा फंडा सेम रहेगा यहाँ पर भी राइट। सो इसमें भी ज़्यादा कुछ समझाने जैसा है नहीं एंड उसकी एंट्रीज भी सेम रहेगा, जो आपका सेट नंबर 3 और 4 का होगा उसी टाइप सेट नंबर 5 और 6 का रहेगा राइट, कि आपका थर्ड हेज होना चाहिए प्रेजेंट सेट 1 यानी कि S1 का वैल्यू 1 होना चाहिए वगैरह वगैरह जो भी है, या तो अगर P1 एंड P2 दोनों प्रेजेंट है फिर भी उनका कंबाइंड प्रीमियम है वो कॉल के प्रीमियम से हाफ है, हाफ से भी कम है, तो भी आप एक और नया पुट ऐड करने वाले हो, या फिर सिर्फ एक कॉल एंड एक पुट प्रेजेंट है तो भी आप इसको ऐड कर सकते हो। सो ये सारे के सारे सिनारियो सेम रहेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने जैसा नहीं है। अभी सेट 1 और 2 का जो एग्जिट है वो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक वेरिएशन आएगा कि हमें जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला आपको 138 से इसको 573 होने ही नहीं देना अगर वन साइडेड मूव हो रहा है तो। सो हम लोग क्या करें, अगर आपका जो भी स्ट्राइक प्राइस रहेगा उससे बैंक निफ्टी 270 पॉइंट्स ज़्यादा चला जाता है, यानी कि ये इन द मनी हो जाता है, ऑलमोस्ट थर्ड इन द मनी स्ट्राइक हो जाती है ये आपका जो भी इनिशियल कॉल एंड पुट सेल रहेगा, तो आप उसमें से एग्जिट करके वापस
एटीएम जो भी उस टाइम पे चल रहा होगा वो कॉल या पुट आप सेल कर दोगे, राइट। सो यहाँ पर सपोज आपका स्ट्राइक रहेगा, ये पुट का स्ट्राइक सपोज 45,000 था, सो आपको इसको थ्री स्ट्राइक्स एकदम अगर हो जाता है, यानी कि इसमें से आप 270 पॉइंट्स माइनस कर दो, सो इसका प्राइस, बैंक निफ्टी का प्राइस अगर इसके प्राइस से 270 पॉइंट से भी कम हो जाता है, सो बैंक निफ्टी का प्राइस अगर 44,730 के भी नीचे चला जाता है, इसका मतलब आपको ये एग्जिट करके वापस उस टाइम पे जो भी एट द मनी पुट होगा उसको आपको वापस सेल कर देना है। कॉल में 45 के अंदर आपको प्लस 270 ऐड करना है, सो अगर वो 45,270 से ज़्यादा हो जाता है बैंक निफ्टी का प्राइस, इसका जो स्ट्राइक होगा वो, सो आपको इसको एग्जिट करके वापस एक एटीएम सेल कर देना है। इस तरह से आप एडजस्टमेंट करना है आपको। सो ये मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, जो भी आपका स्ट्राइक था उसके अंदर आप 270 ऐड करके वापस, बाकी सारी की सारी एडजस्टमेंट सेम रहेगी। अगर ये मिनिमम हो जाता है तो फिर आप, अगर तीनों लेग या फिर दो लेग प्रेजेंट है एंड अगर उसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू इसकी है, सपोज ये वाला जो आपने फर्स्ट ऐड किया था उसकी अगर मिनिमम वैल्यू है, तो भी आपको ये एग्जिट करके वापस उस टाइम पे जो भी एटीएम होगा उसको आप सेल करना है। सो ये एक वो चीज़ हो गई, राइट। अगर C1 एंड C3 प्रेजेंट है, उनमें से C1 की वैल्यू मिनिमम है एंड C1 एंड C2 का कंबाइंड प्रीमियम है वो P1 का जो भी वैल्यू होगा उसके अंदर 25% ऐड करके उसका इमेजिनरी जो इंक्रीज्ड वैल्यू है उससे भी ज़्यादा है, तो भी आपको ये मिनिमम अगर वैल्यू ये है तो आपको इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना है, या फिर अगर लॉस है तो लॉस भी बुक कर सकते हो। बेसिकली रिवर्सल के लिए आप देखोगे एंड ट्रेंड के लिए आप देखोगे, टू टाइप्स आप एडजस्टमेंट देखोगे, राइट। यहाँ पर भी सेम, C1 एंड C2 प्रेजेंट है लेकिन उसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू C1 की है एंड अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है तो आप एग्जिट करोगे, या फिर तीनों लेग प्रेजेंट है लेकिन उसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू कॉल की है, जो भी आपका इनिशियल कॉल था। यहाँ पर आप चेक कर रहे हो कि S3 एंड S5 दोनों का वैल्यू 1 है, यानी कि तीनों लेग प्रेजेंट है, तो भी आप चेक कर रहे हो कि अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है P1 × 1.25, यानी कि इमेजिनरी आप जो प्रीमियम बढ़ा रहे हो, अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है तो क्या, एंड अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो भी आपको कॉल में प्रॉफिट बुक करके वापस एक नया कॉल ऐड करना है, राइट। सो सेम वे में पुट के लिए भी सेट नंबर 2 का सेम रहेगा, राइट। S2 का वैल्यू 1 होना चाहिए, या फिर ये तो कंडीशन ऑलवेज फुलफिल होना चाहिए, एंड अगेन अगर बैंक निफ्टी का प्राइस इसका जो भी स्ट्राइक होगा पुट का उससे 230 पॉइंट से कम हो जाता है। यहाँ पर मैंने पुट में 230 इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मार्केट गिरता काफ़ी ज़्यादा है झड़प से, बढ़ता काफ़ी कम स्पीड से है, इसलिए मैंने यहाँ पर 270 की जगह 230 यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू ऐड कर सकते हो अगर आपको करना है तो, राइट। फिर तो आप देखते हो कि कौन सा पुट प्रेजेंट है इसमें से। इन शॉर्ट एग्जिट में सारे के सारे एग्जिट में एक ही पॉइंट आएगा कि जितने भी लेग प्रेजेंट है उसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू जिस सेट को आपको एग्जिट करना है उसका होना चाहिए, राइट। चाहे वो प्रॉफिट बुक कर रहे हो या फिर रिवर्सल का आप देख रहे हो या फिर ट्रेंडिंग मूव का देख रहे हो, सबसे मिनिमम वैल्यू इसका है तो आप इसको एग्जिट करो, वरना एज इट इज रहने दो। सो आई होप अभी ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गई है, राइट। अभी इसका यूनिवर्सल एग्जिट दिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ओरिजिनल स्ट्रेटेजी में एडजस्टमेंट देखेंगे। सो आपको 3:15 को आप एग्जिट हो जाना है, या फिर काफ़ी बार क्या होता है एक्सपायरी के डे पे अगर एटीएम का प्राइस 15 से कम चला गया, यानी कि सारा का सारा डीके हो गया, एक्सपायरी डे का एंड काफ़ी नियर है, उस टाइम पे एडजस्टमेंट काफ़ी स्पीड में होता है क्योंकि प्रीमियम्स काफ़ी कम होते हैं एंड मूवमेंट्स काफ़ी वाइल्ड होती है। सो वो ना हो इसलिए ये आपको हेल्प करेगा एक्सपायरी डे को एग्जिट होने के लिए। अगर किसी भी कॉल या पुट का प्राइस 15 से कम चला गया, यानी कि अभी उसमें कुछ बचा नहीं है ज़्यादा डीके होने में, सो आप स्ट्रेटेजी को एग्जिट कर दो, ये भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। सो ये मैंने आपको कोड एक बार समझाने की ट्राई की है, अभी इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आज का सब ट्रेड्स हम लोग देख लेते हैं एक बार, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। सो ये आज के ट्रेड्स है, हम लोग एग्जिट हो चुका है ऑलरेडी। आई गेस आपका जो एटीएम था उसका वैल्यू 15 से कम हो गया होगा। सो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बैंक निफ्टी का अभी एटीएम 42,700 चल रहा है स्पॉट के हिसाब से, एंड उसका वैल्यू 15 से कम हो गया है। सो आप इसीलिए यहाँ पर एग्जिट हो गए, बिकॉज जैसे कि मैंने बोला था अगर 15 से नीचे चला जाता है वैल्यू तो आपको एग्जिट हो जाना है, राइट। सो इसलिए आप यहां पर एग्जिट हो चुके हो, एटीएम का वैल्यू 15 से नीचे चला गया इसलिए, एंड ऑलमोस्ट 0.76% आपने अचीव किया है आज एक्सपायरी के दिन, राइट। सो एडजस्टमेंट देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला सो हम लोग 5th तक पहुंचे थे, आपने 38 के प्रीमियम में एक यहां पर ऐड किया था, राइट। इसको मैं हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं, ये सारा का सारा डिलीट कर देते हैं हम। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं, आपने 10:14 को इसको 47 पे एग्जिट किया है, क्यों किया होगा देख लेते हैं नोटिफिकेशन लॉग में। सो आपका नोटिफिकेशन लॉग है, सो 10:14 को क्या हुआ होगा देखते हैं। C3 का वैल्यू है 47
सो इनिशियल कुछ जो एडजस्टमेंट है वो एक बार देख लेते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एस फाइव में से एंट्री ली थी। सो ये एस फाइव पर यहाँ पर आ जाएगा, राइट। सो सी थ्री का 47.25 वैल्यू है 10:14 को, जो कि हमारा एडजस्टमेंट हुआ है। एंड सी वन का वैल्यू है 79.1, सो मैं ऐड करते जाता हूँ। एंड पी वन का वैल्यू है 101। सो इसका क्या मतलब है कि मार्केट रिवर्स हुआ है, जो कि पुट का वैल्यू 138 था वो हो गया है अभी 101, राइट। एंड सॉरी यहाँ पर नहीं, मैं 101 अभी पुट का वैल्यू हो गया है, सी वन का वैल्यू हो गया है 79.1। एंड ये जो 38 वाला था उसका प्राइस हो गया है 47.25, राइट। इसका अंदर आप ऐड करो, उसका 25% यानी कि 126.25। सो पुट का वैल्यू एक्चुअली में 101 है, लेकिन उसके अंदर आप उसका 25% ऐड करोगे तो आता है वैल्यू 126.25। सो दोनों कॉल का प्रीमियम मिला के इससे भी ज्यादा हो गया है, यानी कि आप मान सकते हो कि अगर शायद मार्केट एक्चुअली में रिवर्स हुआ है, ऐसा मान सकते हो। अगर आपको एडजस्टमेंट इतने ज्यादा नहीं चाहिए, सो आप यहाँ पर 25% कंसिडर ना करके 50% भी ऐड कर सकते हो इसका जो एक्चुअल वैल्यू है उसका। या फिर आप ये भी चेक कर सकते हो कि सी पुट का वैल्यू कॉल के वैल्यू से जो सबसे ज्यादा कॉल का वैल्यू है उससे कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट। काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं आप देख सकते हो वो। सो एज यू कैन सी, इसलिए हमने ये जो इस सिनेरियो में क्या हो कि हमने इसको एग्जिट कर दिया, राइट। सो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सो अभी वापस थोड़ा सा बैलेंस हो गया जैसे कि आप लोग चाहते हो। अभी अगेन इन दोनों के बीच का डिफरेंस किसी एक कॉल या पुट का प्रीमियम दूसरे से अगर डबल हो जाता है तो हम लोग वापस एडजस्टमेंट करेंगे। इसको भी मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ, राइट। लेट्स कीप दिस एज इट इज, बिकॉज अगर हमें आगे जरूरत पड़ी तो हम लोग यूज कर सकते हैं उसको, राइट। सो ये हमने देखा नोटिफिकेशन लोग में आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है नॉर्मली, राइट। सो ये 10:14 वाला जो एडजस्टमेंट था वो हमने देख लिया। अभी आगे के जो एडजस्टमेंट है वो देखते हैं। सो 10:35 को एक एडजस्टमेंट हुआ है, कौन सा वाला देख लेते हैं एक बार। सो 10:35 में वापस हम इसी कॉल में एंटर हुए हैं। उसके पहले देख लेते हैं कि आगे वाले जो एडजस्टमेंट थे वो प्रॉपर हुए नहीं हुए। ये तो हेज के लिए है, तो सेवन्थ जो भी है, सेवन नंबर का वो क्या है देख लेते हैं। सो सेवन नंबर वाला वो भी हैच है, लेकिन वो 12:23 को हुआ है। सो अभी के लिए सारे के सारे एडजस्टमेंट इसी कॉल के अंदर हुए हैं, 42,800 वाला, सॉरी 43,100 वाला, सॉरी 42,800 ही है बिकॉज ऑफ एक्सपायरी डे था, सारे के सारे जीरो हो गए तो छानने में दिक्कत हो रही है। यस, सो 10:35 को वापस हमने इसमें री एंट्री की है। जैसे कि आप देख सकते हो 10:01 को हमने 38 को सेल किया था, 47 को एग्जिट कर दिया था, वापस हमने 28 के प्रीमियम पे उसको 10:35 पे री एंटर किया है, राइट। सो उस टाइम पे क्या सिनेरियो था देख लेते हैं। सो ये 10:35 वाला है नोटिफिकेशन लॉग। सो उस टाइम पे S5 हमने एग्जिट कर दिया था, S2 प्रेजेंट है यानी कि पुट प्रेजेंट है, थर्ड हेज प्रेजेंट है, देन C1 अभी कॉल का जो इनिशियल प्रीमियम था वो है 52.3, अभी इसका प्रीमियम हो गया वापस 52.3। एंड पुट का क्या प्रीमियम हुआ देख लेते हैं, 108.8। सो ये हो गया 108.8। सो अगेन कॉल का प्रीमियम है पुट से हाफ हो गया, सो अगेन हमें इसका अराउंड अराउंड 25% वाला प्रीमियम सेल करना है। सो वो भी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इनटू 0.25। सो अराउंड 27 रुपीज़ वाला प्रीमियम हमें अभी सेल करना है कॉल में, राइट। सो वो हमने यहाँ पर सेल किया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो 28 वाला हमने सेल कर दिया वापस 10:35 को, उसको वापस हमने एग्जिट कर दिया 11:15 को। अभी आप वापस समझ सकते हो कि इसका प्रीमियम अगेन डाउन हो गया होगा, राइट। इसका प्रीमियम अगेन, इसको हमने 28 में वापस सेल कर दिया, सो अगेन हमारा जो टोटल प्रीमियम है वो मोटा मोटी सेम हो गया, राइट। अभी अगर आपको एग्जिट इसका प्रीमियम मैचिंग वाला चाहिए तो आप 25% के अलावा 50% का क्राइटेरिया भी डाल सकते हो, एंड इसी को आप बाई सेल भी कर सकते हो, 2 लॉट्स 3 लॉट्स, काफ़ी सारे वेरिएंट्स पॉसिबल है। एक बार ये स्ट्रेटजी आप समझ लोगे, प्रॉपर इसका मेथड समझ लोगे, सो आप इसके काफ़ी सारे वेरिएंट्स बना सकते हो,
राइट right. सो इसको एज अ स्ट्रेटजी के तौर पे ना लेते हुए आप इसको मेथड के तौर पे लीजिए कि इस तरह की अगर कोई स्ट्रेटजी आपको बनानी है या फिर आपको मैन्युअली भी एडजस्टमेंट्स करना है कोई भी स्ट्रेटजी में, सो आप मैन्युअली भी इसको यूज़ कर सकते हो इसी स्ट्रेटजी को। बेसिकली आप जो भी आपका प्रीमियम है वो किसी एक और साइड पर बहुत ज़्यादा नहीं होने दे रहे हो, एडजस्ट करते जा रहे हो ताकि मोटा मोटी आपका जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा सेम ही रहे एंड आपको थीटा का बेनिफिट मिले। अभी क्योंकि विक्स काफ़ी लो है, प्रीमियम्स काफ़ी लो है, सो ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छा नहीं कर रही है हम बोल सकते हैं, लेकिन इसका ड्रॉडाउन भी काफ़ी कम है। जब भी थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा होगा, वीक्स थोड़ा ज़्यादा होगा, सो आपको ये प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छा दे सकते हैं बिकॉज इसमें मैक्सिमम आप थीटा से ही अर्न कर रहे हो, जो भी अर्न कर रहे हो राइट, एंड उसके सामने आपका जो डेल्टा है वो आप मैनेज करते जा रहे हो बेसिकली। सो ये जैसे कि आप लोग देख सकते हो आपने काफ़ी सारी बार एंट्री एग्जिट किया है इसी सेम कॉल में राइट। सो अभी हर एक एडजस्टमेंट समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी ये पिक्स है, आप अपने आप भी समझ सकते हो। अभी हम एक बार पुट का एडजस्टमेंट देख लेते हैं। सो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 8 नंबर पे हमने एक पुट का एडजस्टमेंट भी किया है। सो ये एक बार देख लेते हैं 1227 को। सो ये मैंने नोटिफिकेशन लोग ओपन कर लिया है 1227 का। इस टाइम पर क्या था आपका P1 का वैल्यू क्या था 41। सो ये जो था इसका वैल्यू हो गया है 41 राइट, एंड आपका C1 का वैल्यू क्या था 84.8। सो इसका वैल्यू हो गया है 84.8। कब की बात कर रहा हूँ मैं, 1227 की बात कर रहा हूँ आज की राइट। एंड इसलिए यहाँ पर क्योंकि डबल का हो गया, इससे ये डबल से भी ज़्यादा हो गया है इसका प्रीमियम, सो हम लोग यहाँ पर कोई एक पुट ऐड करेंगे, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ राइट। एंड वो हमने कौन सा ऐड किया, 15 रुपीज़ वाला एक पुट हमने सेल कर दिया बिकॉज इसका अगर हम लोग 25% निकालेंगे। सो इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। सो 21 के अराउंड का आपको प्रीमियम सेल करना है पुट का। सो 21 के अराउंड वाला कोई भी प्रो अवेलेबल नहीं था, 15 रुपीज़ वाला अवेलेबल था, तो इसको आपने सेल कर दिया राइट। सो आपने यहाँ पर एक 15.8 वाला सेल कर दिया ताकि आपका जो प्रीमियम है वो मोटा मोटी थोड़ा नज़दीक रहे। ये रिवर्सल को हैंडल करने के लिए हम कॉल का प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा रख रहे हैं, पुट का प्रीमियम थोड़ा कम रख रहे हैं। आप जैसे कि मैंने आपको बोला आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेम ये 41 वाला भी सेल करके एग्जिट मैच भी कर सकते हो, प्रीमियम आपके ऊपर है। आपको अगर इसको डायरेक्शनल बनाना है सो इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम आप पुट का सेल कर दो ताकि आपका डायरेक्शन जो भी कॉल अगर बढ़ रहा है तो आपका पुट का प्रीमियम ज़्यादा रख दो ताकि आपका बुलिश डायरेक्शन हो जाए। इस तरह से भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, सारा का सारा मेथड आपके ऊपर, आपको किस तरह से वर्क करना है। ये जो है वो रिवर्सल में काफ़ी अच्छा वर्क करेगा, ट्रेंडिंग डे में ये अच्छा वर्क नहीं करता बिकॉज आप यहाँ पर जो एक्चुअली जो लेग बढ़ रहा है उससे दूसरा वाला लेग थोड़ा सा कम ही रख रहे हो एवरी टाइम। तो अगर एक्चुअल जो लेग बढ़ रहा है वो अगर रिवर्स होगा सो आपको थीटा का बेनिफिट ज़्यादा मिलने के चांसेस है। सो कोई भी स्ट्रेटजी आप ब्लाइंडली मत देखो, देखो कि ये कब वर्क करने वाला है कब नहीं करने वाला राइट। सो 1227 को आपने इसमें एंटर किया, वापस हो सकता है कि कॉल का प्राइस रिवर्स हो गया होगा तो आपने वापस इसको 21 पे एग्जिट कर दिया एंड वापस आपने 12 पे एंटर किया एंड उसके 3 मिनट के बाद आपने वापस इसको एग्जिट कर दिया। सो ये स्ट्रेटजी अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आपका जो ब्रोकरेज है वो फ्री होना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा राइट। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये मोटा मोटी इसका प्रॉफिट था आज का एंड आई होप कि आपको ये स्ट्रेटजी भी अच्छे से अभी समझ में आ गई है कि किस तरह से आपको एक्चुअली वर्क करना है राइट। सपोज़ एक और एग्जांपल ले लें, सपोज़ हमने 100 रुपीज़ पे एक कॉल सेल किया, 100 रुपीज़ पे एक पुट सेल किया राइट। अभी इसका प्राइस हो गया सपोज़ 200 एंड इसका अभी 100 ही है मान लेते हैं, चलिए ठीक है। सो अभी आप कब एडजस्टमेंट करोगे, अभी आपको यहाँ पर 200 का 25% वाला जो भी कॉल होगा वो आपको सेल करना है, या तो यहाँ पर या यहाँ पर राइट। सो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लो। सो आपको 50 रुपीज़ वाला कोई भी एक कॉल या पुट एक सेल कर देना है, आपने सेल कर दिया। अभी सपोज इसका प्राइस हो गया 300 राइट। सो अगेन यहाँ पर डिफरेंस आ गया, सो आपको अभी 75 वाला एक यहाँ पर सेल कर देना है कॉल। सो अभी टोटल कॉल का प्रीमियम है 225, टोटल पुट का प्रीमियम है 300 राइट। सपोज अभी यहाँ से मार्केट और ज़्यादा बढ़ गया एंड इसका प्रीमियम हो गया 500 राइट। सो अगेन डबल से भी ज़्यादा हो गया इसका। सो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बोला था सबसे छोटा वाला कॉल सेल कर दो आप, सॉरी आपको यहाँ पर ऐड नहीं करना, आपको जो भी चेंजेस है वो यहाँ पर करना है। सो अभी इसका प्रीमियम 500 हो गया। सो आपको अभी 125 वाला कोई एक कॉल सेल करना है, सो आपको पहले इसमें प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा जो भी इसका प्राइस चल रहा होगा, और यहाँ पर 125 वाला एक और सेल कर दो। सो अभी कॉल का टोटल प्रीमियम है 300। सो अगेन अगर इसका प्रीमियम ज़्यादा बढ़ रहा है, सपोज ये 650 हो गया राइट,
सो अभी आप किसको सेल करोगे, एग्जिट करोगे इसको, राइट? 75 वाला आप एग्जिट कर दोगे एंड आप अगेन 162 वाला यहाँ पर सेल कर दोगे जो भी प्रीमियम रहेगा। सो आप इस तरह से एडजस्टमेंट करते जाओगे, राइट? अभी सपोज ये 750 हो गया, सो आई गेस इससे डबल तो हो गया होगा। सो सॉरी, इधर नहीं करना था, इधर करना है। सो ये अगेन 750 सपोज हो गया, पुट बढ़ता ही जा रहा है सपोज। सो अभी आप जो फर्स्ट लेग था वो एग्जिट करोगे एंड यहाँ पर आप 187 वाला एंटर नहीं करोगे। यहाँ पर आप जो भी एट द मनी चल रहा होगा वो एंटर करोगे। वो एट द मनी के बाद भी अगर ये पुट का प्रीमियम डबल है तीनों कॉल का प्रीमियम मिला के, तो फिर आप यहाँ पर कोई भी एक वापस एडजस्टमेंट करोगे। सो इस तरह से ये वर्क करेगा, राइट? एंड सपोज अभी इसका प्रीमियम 200 हो गया, मान लीजिए इसका प्रीमियम सपोज 175 हो गया एंड इसका प्रीमियम सपोज 1 या फिर 254 हो गया सपोज, राइट? सो अभी आपको रिवर्सल के लिए क्या चेक करना है, एंड इसका प्रीमियम सपोज 500 हो गया। सो रिवर्सल के लिए आपको क्या चेक करना है कि ये जो पुट का प्रीमियम है सपोज वो बढ़ गया था, 750 तक चला गया था, अभी वो 500 है, रिवर्स हो गया है। सो इसका 25% वाला यानी कि इमेजिनरी प्रीमियम क्या है, 625, एंड उस टाइम पे टोटल प्रीमियम कॉल का उससे ज्यादा हो गया है, इसके इमेजिनरी प्रीमियम से भी ये ज्यादा हो गया है, तो आपको कोई एक छोटा वाला कॉल सेल कर देना है। सो अभी सबसे छोटा ये है तो ये आप सेल कर दो। सो अभी टोटल प्रीमियम वापस सेम टू सेम हो गए। अभी सपोज ये 500 से भी कम होकर 400 हो जाता है मान लीजिए, तो भी आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना क्योंकि उसका इमेजिनरी प्रीमियम जो है वो 500 है। सपोज ये 350 हो गया, तभी आपको एडजस्टमेंट करना होगा। जो भी आपका सबसे छोटा वाला लेग था उसको आपको एग्जिट करना है। सो आप इसको एग्जिट कर दो, वापस ये प्रीमियम थोड़ा सा मैच हो गया। सो इस तरह से ये स्ट्रेटेजी वर्क करेगी। अभी ये दोनों इंडिविजुअल लेग की तरह वर्क करेंगे, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम ये फर्स्ट लेग आप एग्जिट नहीं करोगे, सेकंड एंड थर्ड में ही आपको एडजस्टमेंट करने होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट? ये तो मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम में यही इसमें एडजस्टमेंट होगा, पुट हो या कॉल हो। इस तरह से पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी वर्क करती है। सो सपोज ये 254 था एंड ये आपने एग्जिट कर दिया, ये सबसे छोटा था मान लेते हैं। अभी कॉल का प्रीमियम या फिर पुट का प्रीमियम डाउन होकर 150 हो गया, इसका प्रीमियम हो गया 350 मान लेते हैं। सो अभी आपको क्या करना है, इसका 25% इसका, राइट? सो अभी आपको 87 रुपीज़ वाला कोई भी एक पुट सेल कर देना है। इस तरह से आपको प्रीमियम मैच करते जाना है, राइट? अभी सपोज इसका 450 हो गया, इसका 237 है, सो इसका सपोज 550 कर देते हैं, सो डबल से भी ज़्यादा हो गया। सो अभी आपको क्या करना है, 137 वाला कोई एक वापस सेल कर देना है पुट। इस तरह से आपको प्रीमियम मैच करते जाना है। सो आई होप अभी आपको स्ट्रेटेजी पूरा का पूरा समझ में आ गया है कि किस तरह से ये वर्क करता है। एंड अगर थोड़े से प्रीमियम ज़्यादा होंगे तो ये स्ट्रेटेजी बेटर वर्क करेगी। अभी आप इसका डायरेक्शनल वर्जन भी जैसे मैंने आपको बोला बना सकते हो। एंड अगर आपको चाहिए तो इसके अंदर आप क्लोज प्राइस, जो प्रीवियस कैंडल का क्लोज है उसका वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो एलटीपी की जगह। काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं, आप यहाँ पर स्टॉप लॉस भी डालिए कोई एक, राइट? आपके हिसाब से जो भी आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस है, मैक्सिमम टारगेट भी आप डाल सकते हो। स्टॉप लॉस तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, कोई भी स्ट्रेटेजी में आप डालिए, जो भी आपका एसएल का थ्रेशोल्ड लेवल है आपके साइकोलॉजी के हिसाब से या फिर आपके मनी मैनेजमेंट रूल्स के हिसाब से। सो ये सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हैं, आप नोटिफिकेशन लुक में इजीली देख सकते हो। ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी ही कुछ ऐसी थी कि आपको समझाने के लिए थोड़ा और ज़्यादा टाइम चाहिए था। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है सो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं अगेन उसको क्लेरिफाई करने की ट्राई करूँगा। एंड ये जो शेयर कोड है वो अभी ये स्लॉट है वो मिस्टर क्रिश को चाहिए किसी और स्ट्रेटेजी के लिए, बिकॉज जब से ट्रेक्टर ने नया प्लान लॉन्च किया है सो अभी काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है हमारे लिए स्लॉट्स मिल पाना। एंड मैं भी समझ सकता हूँ कि जो लोग हमें स्लॉट्स प्रोवाइड करते हैं उनके लिए भी ये एवरीडे उनका जो पैसा है ट्रेक्टर को जा रहा है। जो पहले वाला प्लान था अच्छा था कि आप एटलीस्ट थोड़े कम अमाउंट में ज़्यादा स्ट्रेटजीज टेस्ट कर सकते थे, अभी टेस्टिंग के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है ट्रेट्रॉन। एंड मैं आशा करता हूँ कि कोई और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आ जाए ट्रेट्रॉन के जैसा, कि जो पुराना वाला जो ट्रेट्रॉन का प्लान था वही सेम हमें ला के दे और सेम ट्रेट्रॉन का ही कंडीशन बिल्डर, पोजिशन बिल्डर वगैरह कुछ दे, राइट? क्योंकि अगर कॉम्पिटिशन है तो इनको भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यूज़र के बेनिफिट के लिए, रादर देन सिर्फ अपना बेनिफिट देखने के। सो एंड एक चीज़ की खुशी मुझे और भी है कि हमारे वीडियो से इंस्पिरेशन लेके वो लोग भी अभी ट्रेट्रॉन के अपने चैनल पे अलग अलग स्ट्रेटजीज का वीडियोस बना रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं। सो आई एम हैप्पी फॉर दैट, दैट हमारे से इंस्पिरेशन लेके वो लोग भी इस तरह का वीडियोस लॉन्च कर रहे हैं, चूँकि उन्होंने पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है। सो दिस इज़ इट गाइस, आई होप आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाया जो डायनेमिक वाइब्रेंट स्ट्रेटर अल्गो था कि किस तरह से ये वर्क करता है एंड किस तरह से आप भी वर्क कर सकते हो। सो
थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।